हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल या बासी चावल की चकली। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बासी चावल या बचे हुए चावल की चकली बनाने की सामग्री है, 1 कप बचा हुआ चावल हमने लिया है, 1/2 कप बेसन, 1/4 कप मैदा, 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चुटकी हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच जीरा, जीरा के जगह आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम एक मिक्सी का बर्तन लेंगे और चावल को पीस लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर पीसे हुए चावल को डाल देंगे। हमने दरदरा पीस लिया और बिना पानी के पीसा है। और अब इसमें हम डालेंगे बेसन, मैदा, तिल डालेंगे, जीरा डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार और हींग। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें देसी घी डालेंगे और बिना पानी का एक डो तैयार करेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। देखिए, हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बिना पानी के मसल के डो तैयार कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे बची हुई घी और मसल लेंगे। देखिए, हमने घी लगाकर मसल लिया है और अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। सेट होने के बाद हम चकली बनाएंगे। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है और अब हम डो को 2 हिस्से में बांटेंगे और चकली बनाने वाली मशीन लेंगे। मशीन के अंदर हमने पहले से ही तेल लगा लिया है और अब हम इस डो को मशीन में भर देंगे और चकली बनाएंगे। अब हम बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर के ऊपर चकली बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से हम सारी चकली बनाकर तेल में तल लेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया है और तेल के अंदर अब हम चकली को फ्राई करेंगे। देखिए, चकली बहुत ही अच्छी सुनहरी फ्राई हो गई है और अब हम चकली को टिश्यू पेपर पे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे चकली को फ्राई कर लेंगे। बासी चावल या बचे हुए चावल की चकली बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।